तो दोस्तों मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि मीत हुड्डा दुल्हन बनकर आ चुकी है इस समय घर में। जी हाँ, मीत हुड्डा के आने के बाद में सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि आखिरकार ये सगाई और विदाई किसकी होनी चाहिए थी और यहाँ पर आई कौन है। जिसके बाद में मीत हुड्डा बोलती हुई नजर आने वाली है कि एक दिन की दुल्हन आ चुकी है, स्वागत नहीं करोगे हमारा। जी हाँ, क्योंकि मीत हुड्डा इस समय एक्शन के साथ में नजर आई है, लेकिन इन लोगों ने मीत हुड्डा से पंगा लिया है और मीत हुड्डा का अब असली रूप भी देखते हुए नजर आएंगे। अभी तक तो लग रहा था कि मनमीत पहलवान को कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करती है मेरे से और बहुत इनोसेंट है, लेकिन अब आखिरकार मीत हुड्डा दिखाएगी इनको अपने असली कड़क तेवर। जी हाँ, क्योंकि वही मीत हुड्डा दिखाने वाली है कि जिसको ये अभी तक ढंग से जानते नहीं हैं, क्योंकि ये वही मीत हुड्डा है कि ईंट से ईंट बजाने में भी कामयाब है। और मीत हुड्डा की बात की जाए तो मीत हुड्डा हमेशा से ही अपने कार्यों के लिए जानी जाती है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस बार मीत हुड्डा क्या एक्शन लेती हुई नजर आती है। क्योंकि अगर बात की जाए, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जल्दी ही कहानी में एक नया ट्विस्ट और भी देखने को मिलेगा, जहां पर मीत अलापत बोलते हुए नजर आने वाले हैं कि तुम किस मकसद से यहां आई हो ये जरूर बताओ हमें। क्योंकि दोस्तों, जहां पर सरकार और उसकी घरवाली कन्फ्यूज हैं कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, क्योंकि मीत हुड्डा ऐसे इतनी आसानी से मानने वाली पार्टी में से नहीं है, बल्कि वो अच्छे अच्छे घबराते हैं उनके आगे आने से भी। लेकिन मीत हुड्डा और मनमीत पहलवान के घर में आना, ये तो बहुत ही अलग चीज़ हो चुकी है, क्योंकि सरकार को किसी भी तरीका से हराना भी है और ये मकसद पूरी तरीका से लेकर आई है मीत हुड्डा। मीत हुड्डा का मानना ये है कि इन लोगों ने जैसा किया है अब उसी अंदाज में इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोग सही करते तो इनको मैं कुछ नहीं कहती। लेकिन अब इन्होंने एक शेरनी के सोती हुई शेरनी को जगाया है और अब इनको भारी पड़ने वाला है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर। जी हाँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा इस कैसे लग रहा है।